केवल शपथ लेने की देर थी। तो ये जो सवाल पूछते हैं जो लोग, 2014 में मैंने स्वयं तय किया कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, और मेरे साथियों से पूछिया कि जो पॉपुलर चुनाव लड़ता है, जनप्रतिनिधि बनता है, आज उसकी क्या हालत है। उसको लोग रात दिन उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं एक ऐसे एज में पहुंचा जहां मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकता हूं, एक पूरे लोकसभा को संभालना मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने बहुत मिन्नत की पार्टी से कि मुझे मत टिकट दो इस पर, और कभी राजनाथ सिंह जी आएंगे ना आपके शहर में तो उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या उन्होंने इलेक्शन कमेटी की मीटिंग से फोन करके हमको नहीं कहा था कि इलेक्शन कमेटी चाहती है यशवंत जी का एक अंतिम चुनाव इस बार लड़ लीजिए। और मैंने जोर देके उनको कहा कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूं। तो ये कहां से बात आ गई कि मैं 2014 में मुझे टिकट नहीं मिला ऐसी की तैसी। मैंने खुद नहीं चाहता था वो टिकट मिले। जब टिकट नहीं लिया तो फिर मंत्री कैसे बनता? भारत के संविधान में क्या प्रावधान है कि बिना लोकसभा राज्यसभा में गया मंत्री बन जाएंगे 6 महीने से आगे के लिए? मैंने जानबूझ के सर उसको छोड़ा। और मोदी जी से मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, मोदी जी से मेरी लड़ाई केवल उनकी दो बातों को लेकर है, स्टाइल ऑफ फंक्शन, उनकी शैली जो है काम करने की, और दूसरा उनकी नीतियां, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग और उनकी नीतियां। अभी आप लोग हमसे सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि बात 6 साल पुरानी हो गई। नोटबंदी हुआ था ना इस देश में, कोई याद करता है नोटबंदी को? कोई याद नहीं करता है 6 साल बाद। और सारा का सारा काला धन इस देश का सफेद हो गया था, बिकॉज द एंटायर अमाउंट करेंसी केम बैक इन टू द बैंकिंग सिस्टम। सब बैंक में आया, सफेद हो गया। इसने सवाल पूछा, आज कोई सवाल पूछा है नोटबंदी के बारे में? मैंने जोर देके कहा है बार बार कि दिस इज डिमोनेटाइजेशन इज द बिगेस्ट स्कैम ऑफ दिस सेंचुरी, लेकिन कोई समझे तब तो। जी मैं आदित्य हूँ दैनिक भास्कर से। मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से विपक्ष पार्टियां आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में मायावती ने खुद को अलग कर लिया, कहा कि मैं द्रौपदी जी को मतलब बनाऊंगी, तो विपक्ष कितना एक होकर आपको जिताने का प्रयास करेगा? देखिए, जिस बैठक में ये तय हुआ था उसमें अखिलेश जी थे, जयंत जी थे, इन लोगों ने बाकी विपक्षी दलों के साथ मिलकर तय किया। बहुत विचार विमर्श हुआ, उसके बाद जब मेरे नाम की बात आई और फाइनलाइज होने वाली थी, तो अखिलेश जी को याद होगा शरद पवार जी के घर पर अनौपचारिक रूप से बैठक चल रही थी, तो शरद पवार जी ने हमको फोन किया, और खड़गे जी ने जो कांग्रेस के राज्यसभा में नेता हैं उन्होंने हमको फोन किया और ये कहा कि हम लोगों ने ये तय किया है, आप इसको स्वीकार कीजिए। तो मैंने हामी भर दी। क्यों हामी भर दी? इसलिए हामी भर दी कि मेरी जो लड़ाई चल रही है, संघर्ष, उस संघर्ष की एक और श्रृंखला में एक और कड़ी है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना। तो इस तरह मैं राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना। अगर 15-20 दिन पहले मुझसे कोई पूछता कि आप राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने वाले हैं क्या, तो मैं समझता कोई बहुत हमारे साथ क्रूअल जोक कर रहा है, लेकिन आज के दिन सच्चाई है। तो इसलिए लोगों ने तय किया, विपक्षी दलों ने। मायावती जी उस बैठक में नहीं थी, नहीं थी, उनको शायद निमंत्रण भी नहीं था, इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। और एक बात कहूंगा तो शायद लोगों को बुरा लग जाए कि मैं बहुत सारी शक्तियों के साथ लड़ रहा हूं, केवल सरकारी पार्टी से नहीं लड़ रहा हूं, सरकार से भी लड़ रहा हूं।
आप लोग मतलब समझिए। सर मैं लाहौल जी न्यूज 18 से मुझे याद है कि आप राजनाथ जी के जयंती में भी आए थे कार्यक्रम में। सवाल मेरा ये है कि जो रूलिंग पार्टियां हैं मैक्सिमम रूलिंग पार्टियां यानी बीजेपी से लेकर पहले, क्या उनके लोगों से भी आप मुलाकात करेंगे कि जो अंतरात्मा की आवाज पे आपको वोट कास्ट करें, क्योंकि आपका मिजाज इस तरह का है, ऐसा लोग मानते हैं कि आप वहां पे भी एक पैच रखते हैं, उनसे मुलाकात हुए प्रोग्राम। हम इतना ही कहेंगे कि हम बहुत सारी पार्टियों में पैठ रखते हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी में पैठ रखते हैं। सरस्वती जी मेरा सवाल आपने कही विपक्ष के लिए आप फर्स्ट चॉइस आप नहीं थे, उन्होंने शरद पवार जी लड़ जाए, उन्होंने मना कर दिया, देन दे चूज़ी, फिर उन्होंने आपको चुना। और आप अब चुनाव लड़ रहे हैं तो आप मजाक मैं कहता ये आपको लगनी है देखिए आपने आपको मैं तथ्यों की जानकारी दे दूंगा। केवल शरद पवार जी नहीं थे, शरद पवार जी ने मना कर दिया तो फिर फारूक अब्दुल्ला का नाम आया, फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी मना कर दिया तो फिर गोपाल गांधी जी का नाम आया, गोपाल गांधी जी ने मना कर दिया तब मैं चौथे चॉइस के रूप में उभरा, चौथा सेकेंड नहीं। लेकिन 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 देशभर में मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर मुझे दसवां चॉइस भी रखा जाता तभी मैं स्वीकार करता, क्योंकि ये लड़ाई लड़नी है। सर मैं मयूर शुक्ला हूँ जीटी में से। सर अटल जी का जिक्र किया आपने जिस तरीके से कि उस समय में जो पार्टी थी और अभी में बहुत बदलाव हो गया, आप निराश भी उसको लेकर, और उस समय के जो उनके साथ में नेता थे उनको दरकिनार किया जाता है अभी फिलहाल, तो क्या उनकी नीतियों को लेकर आप आगे भी जिक्र करेंगे? अटल जी की जो सोच थी, विचारधारा थी, उनके जो साथ के नेता थे जिनको दरकिनार किया गया, उनको साथ लाने की कोशिश करेंगे? देखिए ऐसा कोई प्रयास करने का हमारा इरादा अभी नहीं है। अटल जी के साथ काम करने में हम लोगों को बहुत आनंद आता था, और आनंद इसलिए आता था कि अटल जी सहमति में विश्वास रखते थे। वो स्वयं एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी पार्लियामेंटेरियन था, आप इस बात को जानते हैं, एक बड़े भारी डेमोक्रेट थे, इस बात को भी आप जानते हैं, और मैं तो ऐसे कई उदाहरण यहां दे सकता हूं, शायद कल सुबह हो जाए, जिसमें कि उन्होंने हम लोगों को ये आदेश दिया कि विपक्ष के लोगों के साथ बैठकर बात करके रास्ता निकालो, पार्लियामेंट का काम रुकना नहीं चाहिए, निकालिए आप लोग रास्ता। ये अटल जी थे, अटल जी दोतरफा डायलॉग में विश्वास करते थे, और डायलॉग बराबर दोतरफा होगा। आप जो कह रहे हैं ना, आज की सरकार, आज के नेता कंसेंसस में नहीं कॉन्फ्रंटेशन में विश्वास करते, आज के नेता जो हैं उनको किसी भी प्रजातांत्रिक जो संस्थाएं हैं उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक तरफा अपना चलाते हैं। यही मैं जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं कि राष्ट्रपति का चुनाव क्यों हो रहा है, क्या इसमें कंसेंसस नहीं बन सकता था? इसी में कंसेंसस बनाते। हमारे इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि कोई चुनाव नहीं हुआ और एक व्यक्ति पर सब लोग सहमत हो गए, सरकार ने प्रयास किया नहीं, गंभीर प्रयास बिल्कुल नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। विपक्ष भी आप जानते हैं कि प्रजातंत्र में उतना ही महत्व रखता है जितना सरकार रखती है। मैं द प्रिंट से हूँ, आपने मेंशन किया सरकारों को गिराए जाने का, चुनी हुई सरकारों को गिराए जाने का, और किस तरीके से प्रेसिडेंट ने अपनी भूमिका उसमें नहीं निभाई, अगर आप वहाँ होते तो क्या करते? आने वाले दिनों में हो सकता है आप भी उस पर देखो तो क्या आपकी भूमिका रह सकती है ऐसी सिचुएशन में? दूसरी बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बचाने की बात में उस समय आप क्या भूमिका हो सकती है प्रेसिडेंट? देखिए हर पहले वाले मामले में और फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में, हर मामले में राष्ट्रपति का ये अधिकार बनता है कि वो प्रधानमंत्री को आमंत्रित करें बातचीत करने के लिए, और जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन आते हैं बातचीत करने के लिए तो उनको समझाने बुझाने का काम करें, और मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो राष्ट्रपति के समझाने बुझाने पर मानेगा नहीं, कहेगा कि नहीं हम जो मर्जी में आए वही करेंगे। यदि आप राष्ट्रपति बन गए और नए चुनाव हुए लोग निर्वाचित व्यक्ति
आप आर्टिकल 84 का पालन कराएंगे या परंपरा के तहत सरकार बनाएंगे, केंद्रीय सरकार पर मेरा सवाल नहीं, ये एक काल्पनिक सवाल है इसलिए इसका जवाब नहीं देंगे। मेरे गुरु जी यहीं पर उनकी मूर्ति लगी है, चंद्रशेखर जी की, काफी के प्रदेश के थे जिनके अंतर्गत हमने राजनीति सीखी थी, तो उन्होंने हमको शुरू में ही कहा था कि यशवंत किसी काल्पनिक प्रश्न का जवाब मत देना। सर अगर आप राष्ट्रपति चुनाव अगर आप जीत जाते हैं तो क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि सरकार और आप में उसी तरह का वातावरण वहां फैल जाएगा? नहीं, मैंने अभी एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि मैंने जो कुछ कहा है उसका मतलब टकराव नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, राष्ट्रपति भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और संविधान के अनुसार दोनों को काम करना चाहिए और आपस में बातचीत करनी चाहिए, डायलॉग होगा तो रास्ता निकलेगा। आज की भाजपा बात हर तरीके से जीतने में विश्वास रखती है, अब आपका चुनाव है, विपक्ष सवाल आरोप लगाता है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, उसके खिलाफ कोई ठोस। मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग वोटर नहीं है, दुर्भाग्य है, लेकिन अगर इलेक्टोरल कॉलेज के लोग हमको जिता देते हैं ना तो शपथ लेने के दूसरे दिन से एजेंसियों का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। अब कैसे होगा ये मत पूछिए। यशवंत जी, मैं 24 की कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ, आपसे एक सवाल ये है कि अगर समीकरण आपके पक्ष में बनते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर आपका विजय? ये बहुत बड़ा सवाल है, मैंने कहा संविधान की रक्षा, उसमें फेडरलिज्म या फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे बढ़िया उदाहरण मैंने पेश किया था जब मैं वित्त मंत्री था, याद है आप लोगों को, जो राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों की एक समिति बनी थी जिसके आधार पर अब जीएसटी बना, जीएसटी काउंसिल बनी, वो हमारे टाइम में बिना संवैधानिक सैंक्शन के बहुत शक्तिशाली कमेटी थी। हाँ, यहाँ कोई मैं शोभित श्रीवास्तव हूँ दैनिक जागरण अखबार से। आपसे एक प्रश्न ये है कि आप बाहर तो समर्थन मांग रहे हैं लेकिन आपको अपने घर से ही समर्थन नहीं मिल रहा है। आपकी पत्नी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुर्मू बहुत ही अच्छी प्रत्याशी हैं, आपके बेटे भी लगातार नहीं, वो कहा था उन्होंने कि यशवंत सिन्हा अच्छे नहीं है। अरे भाई कोई शरीफ आदमी पूछा जाएगा तो ये कहेंगे ना, क्या कहते मुर्मू के बारे में, बहुत ही अच्छी औरत है, हम लोग जानते हैं, हम लोग उसी प्रदेश के हैं, वहाँ 6 साल गवर्नर थी, तो अच्छी बात उन्होंने उसके बारे में कही। लेकिन ये तो नहीं ना कहा कि हमारे जो हमारे पति है वो निकृष्ट है, उनको नहीं देते। जहां तक हमारे पुत्र महोदय का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी के आखिरी सवाल, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, आप जानते हैं लोकसभा के, और मैंने हर जगह जहां ये प्रश्न पूछा गया है मैंने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने राज धर्म का पालन करेंगे जैसे मैं अपने राष्ट्र धर्म का पालन करूं। सर एक सवाल है, गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी दलों के अलावा जैसे आम आदमी पार्टी है, बीजेपी ने तो पहले से ऐलान करने को समर्थन कर दिया है, वाईएसआर कांग्रेस ने, जो पार्टियां खुद को गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी से बोल रखी है, अलग उनका एक धड़ा होता है, उनसे क्या बातचीत हो रही है और क्या बातचीत उनसे हो रही है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, एक आज भारत की राजनीति को देखें पॉलिटिकल पार्टी टर्म्स में तो एक तरफ सरकारी पक्ष है, कुछ उनके सहयोगी दल हैं, एक तरफ पूरा विपक्ष है और बीच में कुछ लोग हैं जो न सचमुच में इधर है न सचमुच में उधर है। अब वो मैं एक दूसरी भाषा का मैं इस्तेमाल जान के नहीं कर रहा हूं, लेकिन दो दिन दो दलों का आपने नाम लिया, वो बराबर अपनी स्वतंत्र नीति पर चले हैं, इस बार भी चल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा सर हमें तो बुलाया नहीं गया, इस वो हमारी समस्या है। मित्रों, युवाओं की आकांक्षा को लेकर सरकार काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अग्निपथ को लेकर लगातार युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज किस तरीके से? देखिये, मैं मानता हूं कि अधपकी नीतियां, अधपकी योजनाएं,
इस तरह बना के अचानक भूल के ऊपर थोक देना बहुत ही नाजायज काम है और ये सरकार यही कर रही है। अग्निपथ योजना के बारे में कहीं चर्चा हुई है? डिफेंस की डिफेंस मिनिस्ट्री का ये मतला है, डिफेंस मिनिस्ट्री की एक स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट में, इतना महत्वपूर्ण ये मसला था कि सरकार कहती कि हम इसको डिफेंस कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी डिफेंस को दे रहे हैं, वो विचार विमर्श करके सबसे राय करके और एक रिपोर्ट दे, उसके आधार पर हम तय करेंगे अपनी योजना। ऐसा नहीं किया क्योंकि सरकार ऐसा करती ही नहीं है, जो स्टाइल ऑफ फंक्शन की मैंने बात की। इसीलिए रेलवे रिक्रूटमेंट में क्या हुआ, अग्निपथ में क्या हुआ, कहीं पर भी कुछ भी बहाली होती है तो दृश्य जो देखने को मिलते हैं, क्यों? क्योंकि युवाओं के सामने अंधकार के अलावा कुछ है ही नहीं। आज के दिन नौकरियां है नहीं दूर दूर तक, तो करे क्या, सड़कों पर उतरता है। आखिरी सवाल, आप परमिशन ले लीजिए आखिरी सवाल। संदेश योगी सरकार है और यहाँ बुलडोजर बहुत तेजी से चल रही है, बुलडोजर की बहुत ही खतरनाक राजनीति चल रही है। आप राष्ट्रपति बनने वाले हैं, बन गए तो हम लोगों का सौभाग्य। बुलडोजर की जो सियासत है घर तैयार नहीं है, वो संविधान की कितनी जगह राष्ट्रपति बनते हैं ऐसा विचार होकर। देखिए अखिलेश जी बगल में बैठे हैं, इन्होंने भी बुलडोजर का इस्तेमाल किया लेकिन वर्ल्ड क्लास सड़कों को बनाने के लिए बनाए ना, वर्ल्ड क्लास, उसमें बुलडोजर चलाया। अब ये घर गिराने के लिए और वो भी विशेषकर एक समुदाय विशेष का घर गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करना, इससे गैर कानूनी कुछ हो ही नहीं सकता है। दूसरा कुछ जितनी भर्सना की जाए वो कम होगी। मित्रों, इसके बाद सफर कहां, नामांकन पत्र भरने के बाद, अभी हम रात को निकल रहे हैं गुजरात, नामांकन पत्र भरने के बाद यशवंत जी ने 50 से ज्यादा इंटरव्यूज दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं। आपको कल एक अच्छा मौका मिलने वाला है, दूसरे प्रत्याशी यहां आने वाली है, तो आप कृपया इसका सदुपयोग करके जो आपने आज सवाल पूछे हैं उनसे भी पूछिए, इससे लोकतंत्र मजबूत